आज हर तरफ सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल, सभी तरफ हिजाब के बारे में बहस छिड़ी हुई है। सभी इस बारे में जानना चाहते हैं। हिजाब के अतिरिक्त महिलाएं अबाया, बुर्का या नकाब भी पहनती है। अक्सर इन सभी पोशाकों को एक मान लिया जाता है, जबकि वे अलग अलग होते हैं। क्या फर्क है इन सब में, आइए जानते हैं। बुर्का, यह मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक खास पोशाक है। भारतीय स्त्रियां बुर्का अमूमन नहीं पहनती। यह आमतौर पर मध्य एशियाई देशों और अफगानिस्तान में पहना जाता है। बुर्के में स्त्रियां सनापा, सर से पांव तक ढकी हुई होती हैं। आंखों के सामने एक पर्दा या जाली जैसा कुछ होता है, जिसे वे बाहर का देख पाती हैं। तालिबान ने अपने पिछले शासन में बुर्के को महिलाओं के लिए जरूरी कर दिया था, जबकि इस बार वह हिजाब पर जोर दे रही है। भारतीय महिलाएं अक्सर हिजाब में नजर आती हैं। इसे खास कपड़े के द्वारा सर और छाती के हिस्से को ढका जाता है और चेहरा खुला हुआ रहता है। कई जगह पुरुष भी हिजाब पहनते हैं। हिजाब के आसपास का वस्त्र चादर है, जिसमें हिजाब से थोड़ा अधिक चेहरा ढका जाता है। इसमें एक अलग और खास प्रकार की वस्त्र भी होता है, अबाया। अबाया की उत्पत्ति अबा शब्द से हुई है। अबाया का अर्थ है सीधा साधा, ढीला। यह उत्तरी अफ्रीका और अरेबियन देशों का बहुतायत पहने जाने वाला वस्त्र है। भारतीय महिलाएं भी बहुत बार अबाया पहनती हैं। कई महिलाएं अबाया के ऊपर हिजाब पहनती हैं और इसके ऊपर नकाब भी पहनती हैं।